नमस्ते दोस्तों, परसों एक बेहतरीन सदाबहार गायक लीजेंडरी सिंगर श्री मोहम्मद अजीज साहब का देहांत हो गया। सुन के बहुत ही अचानक उनका इस तरह से हम सभी को छोड़ के चले जाना, हमारे जैसे करोड़ों लोग जो उनके प्रशंसक रहे हैं बचपन से, उन्हें काफ़ी दिल की गहराइयों से बहुत काफ़ी पीड़ा पहुंची अचानक इस तरह से एक सैड न्यूज़। एक अनमोल हीरा हमारी इंडस्ट्री से का इस तरह चले जाना, जिसकी कोई भरपाई बहुत जल्द आने वाले बहुत समय तक नहीं की जा सकती है। हमारे जैसे लोग, अभी जैसे मैं लखनऊ में शूटिंग कर रहा हूँ, तो हमारे लिए कम से कम उनके अंतिम समय में एक ना पहुँच पाना भी एक अलग तरीके की एक पीड़ा होती है, क्योंकि वो एक अच्छे सिंगर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान थे। मुझे उनसे 2-3 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। म्यूजिक रिकॉर्डिंग के समय में उनसे कुछ बात, उनसे क्योंकि जब हमारे सामने कोई आइकन होता है तो उनसे कुछ इस तरह की कुछ बात होती है जिसके बारे में जिज्ञासा होती है, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। उन्होंने एक बहुत ही एक बेहतरीन बात बताई थी कि जब अमृत फिल्में, जो कि म्यूजिक, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर थे, कंपोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, वो गाना था दुनिया में कितना गम है। वो गाना एक्चुअली सबसे पहले किशोरदा के लिए बनाया गया था, लेकिन जब किशोरदा से जब इस गाने को गाने के लिए लक्ष्मी जी ने जब कहा था, ये बात खुद मोहम्मद अजीज साहब यानी हमारे प्यारे मुन्ना जी ने बताई थी, तो किशोरदा ने कहा कि ये गाना मुझसे नहीं, ये मुन्ना से गवाओ। और वो गाना बना, काफ़ी हिट रहा, और बाद में जब गाना सबसे पहले जब बना तो सबसे पहले उनको फ़ोन करने वाले किशोर कुमार ही थे, किशोरदा थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गाना आ गया है और बहुत अच्छा गाया हो। तो चूंकि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इससे कहीं ना कहीं एक नए लोगों के साथ जो उस तरीके का और जो उस समय के एस्टैब्लिश सिंगर, उनके बीच का एक जो एक कोऑर्डिनेशन और एक समझदारी होती थी, वो बहुत ही अद्भुत होता था। तो एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, इस बात से प्रेरणा मिलती है। वो गाना था दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐसे ही न जाने कितने कितने सुपरहिट गाने मोहम्मद अजीज साहब ने इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया, पूरे हिंदुस्तान को दिया, न हिंदी में, उड़िया में, बंगाली में। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद।
आज कल याद कुछ मैं से मीना से न साकी से न पे माने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से आपके आ जाने से ऐसे न जाने कितने सदाबहार गाने। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का गवाह खुदा खुदा गवाह खुदा गवाह। ऐसे थे हमारे मुन्ना जी साहब। मुन्ना जी बहुत सारे लोगों ने श्रद्धांजलि दी, मेरे तरफ से भी एक छोटी सी श्रद्धांजलि हमारे प्रिय मोहम्मद अजीज साहब यानी मुन्ना जी के लिए, मुन्ना अजीज साहब के लिए। आप चले तो गए लेकिन आपकी यादें, आपके जो गाने हैं, आपका जो जीनियस, एक यूनिक स्टाइल ऑफ जो सिंगिंग है वो हमेशा रहेगी, हमेशा हमारे जैसे करोड़ों चाहने वालों के दिल में रहेगी। और पल पल हम लोग आप जब भी आपके गाने सुनेंगे आपको सैल्यूट करते रहेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।